पति के काले रंग को लेकर पत्नी अक्सर ताना मारा करती थी। पति तो अपनी खूबसूरत बीवी का ताना सह लेता था, लेकिन यह बात उसके पिता को नागवार गुजरती थी। आरोप है कि एक दिन बहू की शिकायत करने उसका ससुर लड़की के मायके पहुंच गया, लेकिन बजाय बेटी को समझाने की मायके पक्ष के लोगों ने बेटी के ससुर के साथ मारपीट कर दी। शिकायत की गई कि इस घटना में वृद्ध ससुर को इस कदर मारा गया कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला मऊरानीपुर के सकरार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां ग्राम जावन में रहने वाली आरती का विवाह निवाड़ी के सेंद्री थाना के ढेमरपुरा गांव निवासी हरविंदर से 6 साल पहले हुआ था। हरविंदर का कहना है कि उसका रंग दबा हुआ है, जबकि आरती का रंग साफ है। इस वजह से आरती अक्सर हरविंदर को ताना मारती थी, जिसको लेकर अक्सर दोनों में विवाद भी होता था। इसी बात की शिकायत को लेकर ससुर सूटी रायकवार 29 सितंबर को आरती के मायके जावन आए थे, लेकिन बेटी की शिकायत करने पर मायके पक्ष के लोगों से उनका ही विवाद हो गया। हरविंदर के परिजनों का आरोप है कि आरती के परिजनों ने बुजुर्ग सूटी पर लाठी डंडों से प्रहार किया, इससे उनको गंभीर चोट आ गई। इसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने ही गढ़कुंडार के पास एक क्लिनिक में उन्हें भर्ती कराया था। क्लिनिक में भर्ती कराने के बाद वह लोग भाग निकले। सूचना मिलने पर उनके परिवार के लोग भी पहुंच गए। उपचार के दौरान बुधवार को वृद्ध ससुर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई है। थाना प्रभारी अमीराम सिंह का कहना है, शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिवार के लोग बहू के मायके वालों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरमन जी, क्या हुआ आपके घर पर? कैसे हुए, क्या कारण रहा? वो मरने की धमकी दे रही थी। कौन दे रही थी? हमारी पत्नी। फिर फांसी लगा रही थी। हाँ। में गंदे के हाँ। फांसी लगा के मैं जाऊंगी, लाइट पकड़ के मैं जाऊंगी। तो मेरे दादा जी वहाँ के घर गए उसके माँ बाप को बुलाने के लिए। उसके माँ बाप को फोन लगाते थे, दे आते नहीं थे। उसके माँ बाप को लगाने के लिए गए। रात में उन्होंने 5 लोगों ने मारा है। किसको मारा है? दादाजी को। फिर क्या हुआ? ईंटों को मुँह से मारा है, लातों घूसों से मारा है। वे सकरार खाने में गए, उसने सकरार खाने में गए, उनने पैसा भरे, उसे ऐसे ही आए भी हमारे भाई को फोन करो। आपका पति पत्नी का विवाद किस बात को लेकर होता था? रोज लड़ती, हम कुछ नहीं कहते थे, वह रोज लड़ती झगड़ती थी। तू मेरे पसंद का नहीं है, तू काला है, तू मेरे पसंद का नहीं है। हमारे यहाँ उनकी लड़ाई झगड़ी हुई, मेरे चाचा जी को उनकी मृत्यु हो गई और वो उनकी नेटवर्क थी, आज उसी दिन झगड़ा करती थी। किस बात को लेकर विवाद करती थी? बात को लेकर विवाद करती थी, कहती थी ये लड़का मेरे पसंद का नहीं है, काला है, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर क्या हुआ? वो मरने की धमकी देती थी, फिर फांसी लगा लेंगे। फिर क्या हुआ? आपके चाचा जी कहाँ गए? हमारे चाचा जी गए जॉन उसके मायके, बेटा हो तुम मरो नहीं, तुम घर रहो शांत, हम तुम्हारे बताई परिवार में जाए तो हम भी आए तो तुम्हें कम। क्या कारण रहा कि उन लोगों ने मारा है? ये एक महीना भी इधर रहती थी, अच्छा 2 महीना मायके में रहती थी। इधर पैसा हो जाता, एक जमा कर देता हूँ लड़का 1000-2000, तो एक जमा पैसा लेके और गायब हो जाती, 6-7 महीने के लिए मायके में रहती। विवाद का कारण क्या होता था? ये बोलती थी कि हमसे रहना नहीं है, काला है ये लड़का, हमको पसंद नहीं है, हमारे माँ बाप ने जान रखी है।